ये नहीं कंसीडर, देखो तो ये भी नहीं कंसीडर, इसमें एक बॉल फेंकते हैं, अब रेस्ट पे आ जाओ। ये एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल भी काम होते हैं, मतलब थ्योरी में नहीं बोलते प्यारा सो, आइडियली बाकी सारी बॉल्स रेस्ट पे हैं। तो देखो इसमें तुम्हें, अगर तुम लूजली देखो तो तुम यही दिखाई देगा, जब अपन एक बॉल फेंकते हैं तो पहले इन दोनों का कोलिजन होता है ना, सबके मास बराबर है और मान के जाना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना ऑलमोस्ट, तो इससे वेलोसिटी इसमें जाती है, इसमें जाती है, इसमें जाती है, इसमें जाती है, तो ये लास्ट वाली बॉल जाती है, बाकी सब रेस्ट पे रहती है। अगर तुम ध्यान से ना देखो तो तुम्हें यही दिखाई देगा, देखो फिर लास्ट वाली बॉल आगे जाएगी, बाकी सब वहीं रहेंगी है ना। देखो और तुम थोड़ा क्लोजली देखो तो बाकी सारी बॉल्स भी मूव करती हैं, इसको स्लो मोशन में देखना होता है, इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि मोशन बहुत फास्ट है, अगर स्लो मोशन करके देखें है ना, 110 स्पीड करते तो ये चीज़ दिखाई दे जाएगी। और ये मेरे हाथ के वाइब्रेशन के कारण नहीं हो रहा, तुम इसको रख दोगे तब भी ऐसा होगा ना। यूट्यूब पे डाल तो रखा था किसी एक बंदे ने, तो वीडियो डाला था यहाँ पे, देखो दिखाई देगा, देखो दूसरी बॉल भी आगे जाएगी थोड़ी सी, ध्यान से देखोगे तो जाती है, बाकी बॉल भी वेलोसिटी जाती है ना, क्योंकि जैसा अपन सोचते हैं वैसा नहीं होता है। चलो ठीक है बस ये था, और देखो अभी और दिखा देते हैं, इसमें एक बॉल फेंक रहे थे तो एक बॉल आगे जा रही थी, अगर दो को फेंकेंगे तो देखो क्या होगा, ये तो हिला दिया, देखो सिर्फ दो ही बॉल मूव करनी है, तीसरी रेस्ट पे रहती है, ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहती है, अगर तीन को फेंकेंगे तो देखो तीन ही जाएंगी, देखो सबका टाइम पीरियड बराबर, ये बीच भी नाच रही है, बस बीच में लगी नाच रही है, चार को फेंकेंगे देखो क्या होगा, तो ये है न्यूटन्स क्रेडल।